उत्तर प्रदेश पंचायत इलेक्शन 2021 की खबर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आपको बता दें, यूपी पंचायत चुनाव में लगे कुछ खास नियम, चुनाव के आरक्षण अधिसूचना को लेकर पूरा भारत कर रहा है बात, आप भी जाने। इसी बीच आरक्षण को लेकर भी एक खबर आ रही, तो चलिए जानते कि ग्राम प्रधान के कितने पद किस जाति के लिए हुए रिजर्व, कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी हो गई है। अब लोगों को पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के अलावा ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख के लिए भी आरक्षण लिस्ट आ चुकी है। इस बार ग्राम प्रधान के पदों पर चुनाव में महिलाओं के लिए 333 आरक्षित पद घट गए हैं 2015 के चुनाव में। पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद के लिए महिलाओं के लिए कुल 19,992 पद आरक्षित हुए थे। इनमें से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए कुल 132 पद आरक्षित थे। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए कुल 4,341 पद आरक्षित हुए थे। अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 9,927 पद आरक्षित हुए थे। जबकि इस बार के पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कुल 19,659 पद आरक्षित हुए हैं। इनमें से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 131, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 4,288, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 5,501 और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 9,739 पद आरक्षित किए गए हैं। शुक्रवार को जारी किए गए आरक्षण ब्यौरे के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर 12 सामान्य महिलाएं, 7 ओबीसी महिलाएं और 6 अनुसूचित जाति की महिलाएं, यानी कुल 25 महिलाएं काबिज होंगी। ये जानकारी लखनऊ में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और निदेशक किंजल सिंह ने दी। उन्होंने इस बार के पंचायत चुनाव में आरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा तय किए गए आरक्षण फार्मूले के तहत इस बार प्रदेश में महिलाओं के लिए ब्लॉक प्रमुख के कुल 300 पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें से 4 पद अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए, 86 पद अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए और 97 पद अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 113 पद रहेंगे। पिछली बार ये हुआ था आरक्षण। आपको बता दें, वर्ष 2015 में हुए पिछले पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए ब्लॉक प्रमुख के कुल 298 पद आरक्षित हुए थे। इनमें से 4 पद अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए, 86 पद अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए, 98 पद अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए और 110 पद सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हुए थे। इस तरह से 2015 के पंचायत चुनाव के मुकाबले इस बार जहां एक तरफ ब्लॉक प्रमुख के पद पर अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का एक पद कम हुआ, वहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 3 आरक्षित पद बढ़ गए। जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर महिलाओं के आरक्षण की स्थिति पिछले चुनाव की तरह ही है। जानकारी के अनुसार इस बार के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए कोई पद आरक्षित नहीं हुआ। यही स्थिति पिछले पंचायत चुनाव में थी। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए पिछले चुनाव की तरह ही 6 पद आरक्षित किए गए हैं, जबकि 7 पद ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं। इतने ही पद पिछले चुनाव में भी आरक्षित हुए थे। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए कुल 12 पद आरक्षित हुए हैं। इतने ही पद पिछले चुनाव में भी आरक्षित हुए थे। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए पिछले चुनाव के ही मुताबिक कुल 25 पद आरक्षित हुए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब